हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको उन महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज जो हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांसें ले रहे हैं उनमें उनका योगदान था। और वो महिलाएं थी, महिलाएं नहीं कहना होगा, उन्हें वीरांगनाएं कहना होगा। बहुत सारे के बारे में मैंने अपने पार्ट वन में बता दिया है, अब हम पार्ट टू की शुरुआत करेंगे। और पार्ट टू की शुरुआत करेंगे हम झलकारी बाई, झलकारी बाई की कसम से। झांसी की रानी ने महिलाओं की एक अलग टुकड़ी दुर्गा दल बनाई हुई थी। इसका नेतृत्व कुश्ती, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में माहिर झलकारी बाई के हाथों में था। झलकारी बाई ने कसम उठाई थी कि जब तक झांसी स्वतंत्र नहीं होगी ना मैं श्रृंगार करूंगी और ना ही सिंदूर लगाऊंगी। अंग्रेजों ने जब झांसी का किला घेरा तो झलकारी बाई पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ी। उसका चेहरा और कदकाठी रानी लक्ष्मीबाई से काफी मिलती जुलती थी। तो जब उसने रानी लक्ष्मीबाई को घिरते देखा तो उसने उन्हें महल से बाहर निकल जाने को कहा और दूसरी तरफ स्वयं घायल सिंगनी की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ी और शहीद हो गई। झलकारी बाई का जिक्र मराठी पुरोहित विष्णुराव गोडसे की कृति माझा प्रवास में मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में जनाना फौजी इंचार्ज मोतीबाई और रानी के साथ 24 घंटे छाए की तरह रहने वाली सुंदर मुंदर काशीबाई जूही दुर्गाबाई भी दुर्गा दल की सैनिक थी। इन सभी ने अपनी जान की बाजी लगाकर रानी लक्ष्मीबाई पर आंच नहीं आने दी और अंततो गत्वा वीरगति को प्राप्त हुई। कानपुर 1857 की क्रांति का प्रमुख गवाह रहा है। पेशे से तवायफ अजीजन बाई ने क्रांतिकारियों की संगत में आकर 1857 की क्रांति में भाग लिया था। कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में 1 जून 1857 को जब तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, बाला साहब, सूबेदार टीका सिंह और शमसुद्दीन खान क्रांति की योजना बना रहे थे तो उनके साथ उस बैठक में अजीजन बाई भी मौजूद थी। क्रांतिकारियों की प्रेरणा से अजीजन ने मस्तानी टोली के नाम से 400 महिलाओं की एक टोली बनाई जो मर्दाना वेश में रहती थी। एक तरफ ये अंग्रेजों से अपने हुस्न के दम पर राज उगलवाती और वहीं नौजवानों को क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी। सती चौरा घाट से बचकर बीबी घर में रखी गई 125 अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की रखवाली का कार्य अजीजन बाई की टोली के ही जिम्मे था। विठूर के युद्ध में पराजित होने पर नाना साहब और तात्या टोपे तो पलायन कर गए थे लेकिन अजीजन पकड़ी गई थी और युद्ध बंदी के रूप में उसे जनरल हेवलॉक के समक्ष पेश किया गया। जनरल हेवलॉक उसके सौंदर्य पर रीझे बिना नहीं रह सके थे और प्रस्ताव रखा कि यदि वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर क्षमा मांग ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा। किंतु अजीजन ने एक वीरांगना की भांति उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और पलट कर कहा कि माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने इतने जुल्म ढाए हैं। इतने पर आग बबूला हेवलॉक ने अजीजन को गोली मारने का आदेश दे दिया और क्षण भर में ही अजीजन के शरीर के चित्र उड़ गए थे। इतिहास में दर्ज है कि बगावत की सजा हंसकर सहेली अजीजन ने अपना लहू अपने वतन को दिया है। उसके बाद एक और नाम जिसे आप सब जानते हैं वो है कस्तूरबा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने बा के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गांधी जी से भी उन्नत थे। महात्मा गांधी की आजीवन संगनी कस्तूरबा की पहचान सिर्फ यही नहीं थी, आजादी की लड़ाई में उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया था।
बल्कि यह कि कई बार स्वतंत्र रूप से और गांधी जी के मना करने के बावजूद उन्होंने जेल जाने और संघर्ष में शिरकत करने का निर्णय लिया। वह एक दृढ़ आत्म शक्ति वाली महिला थी और गांधी जी की प्रेरणा थी, और उनका जो करैक्टर था वो काबिले तारीफ था। अपने देश की आजादी के उन्होंने बहुत चीजें उछावर किया है। सबसे बड़ी बात यह थी कि आजादी की लड़ाई में पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने सराहनीय काम किए थे। उसके बाद हैं कमला नेहरू। कमला विवाह के बाद जब इलाहाबाद आई तो एक सामान्य कम उम्र की नई नवेली दुल्हन भर थी, लेकिन समय आने पर यही शांत स्वभाव की महिला लॉ सिव साबित हुई, जो धरने जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती थी। नेहरू के साथ साथ कमला नेहरू और फिर इंदिरा की प्रेरणाओं में देश की आजादी ही सर्वोपरि थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर शिरकत की थी। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला कम उम्र में ही दुल्हन बन गई थी, लेकिन समय आने पर यही शांत स्वभाव की महिला लॉ स्त्री साबित हुई थी। उसके बाद जो नाम आपको बताने जा रहे हैं, आप उनसे शायद ज्यादा तारुफ नहीं रखते होंगे, उनका नाम था अरुणा आसफ अली। कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य रह चुकी अरुणा आसफ अली न सिर्फ देश की स्वतंत्रता की लड़ी बल्कि तिहाड़ जेल की राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी है। उन्हें नमक सत्याग्रह में भाग लिया और लोगों को अपने साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी लड़ाई के जज्बे के चलते उन्हें कैद कर लिया गया था, लेकिन उन्हें जेल की दीवारें भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक पाई। उन्होंने वहां रहकर कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ही विरोध प्रदर्शन और हड़तालें की हैं, जिसके कारण ही तिहाड़ के कैदियों की हालत में सुधार आया है। तो उन्होंने काफी मशक्कत की थी अरुणा आसफ अली। उसके बाद जो नाम बहुत कम लोग जानते हैं वो नाम है दुर्गाबाई देशमुख। बहुत कम लोग उनके नाम से तारुफ हैं। दुर्गाबाई देशमुख महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थी। शायद यही कारण था कि उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था और भारत की आजादी में एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता की सक्रिय भूमिका निभाई। वो लोकसभा के सदस्य होने के साथ साथ योजना आयोग की भी सदस्य थी। सबसे अच्छी बात यह थी, बहुत सारी महिलाएं तो अज्ञात रही हैं जिनके बारे में मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने छोटी छोटी जो नाम है उनके बारे में बताए हैं। उसके बाद है राजकुमारी गुप्ता। कानपुर के निकट बांदा में जन्मी राजकुमारी का विवाह युवावस्था में हो गया था। वह और उनके दोनों पति महात्मा गांधी और उनके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के आह्वान से काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन वह ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए अपने उत्साह और दृढ़ विश्वास के कारण चंद्रशेखर आजाद और उनके क्रांतिकारी प्रतिक्रिया की तरफ अग्रसर हो गए। काकोरी षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती में उनके योगदान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपने पति और अपने ससुराल वालों को बिना बताए संदेश और सामग्री को क्रांतिकारियों के पास पहुंचाना शुरू कर दिया था, इसलिए उनके ऊपर क्रांतिकारियों को अग्नेय शस्त्र देने का आरोप लगाया गया था। जब वो अग्नेय शस्त्रों को अपने अंतवस्त्रों में छिपाकर और अपने 3 साल के बेटे को साथ में लेकर खेतों के माध्यम से जा रही थी, उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनने पर उनके ससुराल वालों ने उनको अस्वीकृत कर दिया था। उसके बाद उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन वह देश की एक सच्ची नायिका थी और हमारे इतिहास में उनका एक उल्लेखनीय योगदान हमेशा शामिल रहा। दुर्गाबाई देशमुख के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और उसके बाद एक और नाम है उससे भी आप बहुत कम जानते होंगे, और वो है मस्तानी बाई। कानपुर के स्वाधीनता संग्राम में मस्तानी बाई की भूमिका भी कम नहीं थी।
और कम नहीं है कहना होगा, कम नहीं थी तो बात अलग है। बाजीराव पेशवा के लश्कर के साथ ही मस्तानी बाई बिठू रही थी। अप्रतिम सौंदर्य की मलिका मस्तानी बाई अंग्रेजों का मनोरंजन करने के बहाने उनसे खुफिया जानकारी हासिल करवा के पेशवा को दिया करती थी। नाना साहब की मुंहबोली बेटी मैनावती भी देशभक्ति से भरपूर थी। नाना साहब बिठूर से पलायन कर गए तो मैनावती यहीं रह गई। जब अंग्रेज नाना साहब का पता पूछने पहुंचे तो मौके पर 17 वर्षीय मैनावती ही मिली। नाना साहब का पता न बताने पर अंग्रेजों ने मैनावती को जिंदा ही आग में झोंक दिया था। ये अंग्रेज ऐसे ही थे। ऐसे ही ना जाने कितने दास्तान हैं जहां वीरांगनाओं ने अपने साहस और जीवटता के दम पर अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे। मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने 1857 के संग्राम के दौरान अंग्रेजों का प्रतिकार किया और घिर जाने पर आत्मसमर्पण करने के बजाय स्वयं को खत्म कर लिया। मध्य प्रदेश में ही जैतपुर की रानी ने अपनी रियासत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दतिया के क्रांतिकारियों को लेकर अंग्रेजी सेना से मोर्चा लिया। तेजपुर की रानी भी इस संग्राम में जैतपुर की रानी के सहयोग बनकर लड़ी। मुजफ्फरनगर के मुंडवर की महावीरी देवी ने 1857 के संग्राम में 22 महिलाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला किया था। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं क्योंकि काफी लंबी हो गई है। इसका पार्ट थ्री आप अगले दिन देख सकते हैं, जिसमें हम उन वीरांगनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और उन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी अपने देश के नाम पर, और आज उन्हीं की बदौलत हम स्वतंत्र भारत में आज स्वतंत्र हवा की सांसें ले रहे हैं। धन्यवाद। आप पार्ट थ्री कल देखेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दीजिएगा।